हेलो हाय नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन पे मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का no. 2. पार्ट पार्ट नंबर इससे पहले वाले में हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर थे, तो आज के सेशन में हम कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा से को कंप्लीट कर सके बट ठीक है देखते कहां तक चलती है कहानी तो भाई क्वेश्चन नंबर इलेवन से आज का ये सेशन शुरू किया जाएगा और हमेशा की तरह आज भी आपसे यही उम्मीद है कि आप पेन और पेपर लेके जरूर आए होंगे बिकॉज भाई जब भी क्वेश्चन आएगा मेक श्योर sure वीडियो को पॉज करना खुद से ट्राई जरूर करना और यह जरूर चेक करना कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं ठीक है तो करें शुरू कहानी को लेट्स गो लेट स्टार्ट दिस विद द क्वेश्चन नंबर इलेवन बाय अ सर्फेस ऑफ लिक्विड वी मीन भाई लिक्विड का सरफेस है ना अगर कोई बोलते सर्फेस ऑफ अ लिक्विड तो इससे हम क्या मतलब समझे इट्स अ ज्योमेट्रिकल प्लेन लाइक एक्स इक्वल्स टू जीरो

का मतलब क्या क्या वो कोई ज्योमेट्रिकल प्लेन होने वाला है जैसे आप लेते हो कि भाई एक ऐसा प्लेन जहां लिक्विड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू द एटमोसफेर ऐसी कोई बात हो रही होगी सर्फेस ऑफ द लिक्विड में या फिर सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब होगा एक लेयर ऑफ थिकनेस जिसका ऑर्डर टेन की पावर माइनस एट मीटर का हो या फिर सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब होगा अ लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन की पावर माइनस बहुत ही शानदार सवाल मतलब कुछ नई बात सिखाने वाला है ये क्या मतलब समझे सरफेस ऑफ अ लिक्विड से हुँ? तो बेटा जी सरफेस ऑफ अ लिक्विड का मतलब क्या होता है <coughs> सुनो तो मैं पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तो जब वो बोलते हैं तो है है सरफेस करो, करो में मैंने लिक्विड ले लिया कि मैंने इस कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया कोई भी कंटेनर होगा इसमें लिक्विड ले लिया तो जब मैं सरफेस बनाता हूं तो बाहर से देखने पर तो ऐसे दिखता है अंदर से क्या दिख रहे हैं तो अंदर बेसिकली मुझे यहां पे दिखते हैं लेयर ऑफ हैव हायर पोटेंशियल एनर्जी देन द बल्क ऑफ द लिक्विड बचे हुए लिक्विड से इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती, होती है वो हायर होती है ठीक है तो अगर मैं यहां पे मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूं क्या उनसे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा ही है यहां पे अगर मैं लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लू समझ ना बात को और यहां पे भी मैं लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ जब हम लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो क्या इनका पोटेंशियल एनर्जी इनसे ज्यादा होगा तो यहां पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो सरफेस ऑफ द लिक्विड का मतलब इट इज एक्चुअली द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द हायर पोटेंशियल एनर्जी देन द बल्क ऑफ द लिक्विड ठीक है समझते हो बात को अब ये लेयर में कितनी मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं तो बेसिकली जब हम लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल बोलते हैं तो वो बेसिकली 10 टू 15 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल होता है जब भी मैं बोलता हूं लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो इट मींस दैट इट इज 10 टू फिफ्टीन टाइम्स द डायामी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल मीटर सिंगल मॉलिक्यूल ठीक है तो जहां पे जो लेयर बनती है ना मेरे बच्चे तो जब मैंने लेयर बनाई तो बेसिकली लेयर में क्या होगा लेयर कितनी विथ की हो सकती है बेसिकली है ना वो ये बताना चाहता है तो पहली चीज तो मुझे यह समझ आया कि लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हायर पोटेंशियल एनर्जी देन द बल्क ऑफ द लिक्विड बचे हुए लिक्विड से जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होता है ज्यादा होता है तो दिस दिस लेयर हैविंग हायर पोटेंशियल एनर्जी दिस लेयर हैविंग द हायर पोटेंशियल एनर्जी एंड इस लेयर को कहां तक कंसिडर किया जाए इस लेयर को कहां तक कंसिडर किया जाए सो बेसिकली दिस लेयर इज टेन टू फिफ्टीन टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल बेटा सिंगल मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा उसके 10 से 15 टाइम्स जो है वो लेयर फॉर्म होती है यहां है? अब लेयर में सवाल यही आता है कितनी विर्थ ले लें ले उस की? तो उसके लिए उन्होंने सिंगल मॉलिक्यूल बेसिकली जब हम हैं या मैं जस्ट साइज की बात करूं इट विल बी लाइक 1 नैनोमीटर व्हिच कैन बी ऑफ टेन पावर -9 मीटर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जब मैं यहां पे बात कर लूँ तो उसके जो साइज होता है इट विल बी ऑफ टू माइनस नाइन मीटर मतलब के ले लो बेटा जी इतना मीटर नाइन मीटर लेकिन डायमी डायमीटर मीन टेन टाइम्स ऑफ टेन स्टॉ वन नैनोमीटर इट मीन टेन टाइम्स ऑफ वन नैनोमीटर इट मीन्स टेन टाइम्स ऑफ टेन स्पाइनस नाइन मीटर एंड इट कम्स नॉट बी minus माइनस एट मीटर सो दिस इज thickness ऑफ द लेयर पहली चीज उसने पूछा सरफ़ेस ऑफ लिक्विड से आप क्या समझते हैं तो हमने बोला साहब लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द हायर पोटेंशियल एनर्जी दूसरी बात बोलता कि भैया लेयर की थिकनेस कितनी हो सकती है तो लेयर की जो थिकनेस हो सकती है इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द 10 टू 15 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा उसके 10 टू 15 टाइम्स होती है ये थिकनेस ऑफ़ लेयर सो मैंने बोला कि भाई मॉलिक्यूल की अगर बात करें मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के लिए जो ऑलमोस्ट जो साइज हमने कंसिडर किया था इट विल बी ऑफ लाइक वन नैनोमीटर मीटर माइनस नाइन मीटर तो उसका टेन टू फिफ्टीन टाइम्स ऑफ डायमीटर इज दियर थिकनेस

इन वाली लेयर से इन वाली लेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा अरे यहां पे भी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहां पे भी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है लेकिन इन लेयर का पोटेंशियल एनर्जी इनसे ज्यादा है ठीक है तो ये लेयर कितनी होगी 10 टू 15 टाइम्स चलिए भाई यहां तक सारी बातें छाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे हो गया नोट पक्का चलिए आगे बढ़ते हैं टू द तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है एन आइस क्यूब इज सस्पेंडेड इन वैक्यूम इन अ ग्रेविटी फ्री हॉल भाई एक आइस क्यूब है जो की सस्पेंडेड है वैक्यूम इन अ ग्रेविटी फ्री हॉल एज द आइस मेल्ट इट भाई जैसे ही आइस मेल्ट होगा तो क्या हाल होने वाला है इट विल रिटेन इट्स क्यूबिकल शेप इट विल चेंज इट्स शेप टू द स्पेरिकल इट विल फॉल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल एंड इट विल फ्लाई अप है ना तो क्या होगा भाई आइस क्यूब है हमारे पास एंड इट इज सस्पेंडेड इन अ ग्रेविटी फ्री इट सस्पेंडेड इन अ ग्रेविटी फ्री हॉल तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर वो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी फ्री है भाई एंड इफ इट अ ग्रेविटी फ्री हॉल तो नीचे गिरने की तो संभावना नहीं है भाई सो दिस इज द आइस क्यूब सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर इन अ वैक्यूम भाई यहां पे जी का वैल्यू जीरो है वैक्यूम बोल दिया ग्रेविटी फ्री बोल दिया यानी कि जी का वैल्यू विल बी जीरो है. और जी का वैल्यू जीरो है तो ये टपकने वाली चीजें नहीं होने वाली कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर पानी टपक जाएगा पूरा नीचे गिर जाएगा नीचे ग्रेविटी फ्री है कुछ नहीं होगा तो क्या सर उड़ जाएगा विल फ्लाई अप अरे नहीं अपने कुछ और सोचो ना कुछ अच्छा सोचो विल फॉल डाउन ये तो होने सर विल फ्लाई अप पता नहीं सर उड़ जाए <laughs> सोचो सोचो सोच लो सोच लो सोच लो सोचो।, सोचो जरा दिमाग लगाओ क्या बनेगी इसकी बातें सोचा कुछ हम्म hmm. विचार कर लिया होगा सोच लिया होगा और मेरी सोच जो मैंने सोचा है वो ये कहती है कि जब ये मेल्ट होगा तो क्या बनेगा आफ्टर मेल्टिंग ये बनेगा वाटर भाई जब आइस क्यूब मेल्ट होगा तो मेल्टिंग के बाद वो पानी बनेगा पानी की टेंडेंसी क्या होती है सर so, पानी की जो टेंडेंसी होती है वो कहता है कि भैया बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वी विल हैव द मिनिमम सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन वी विल हैव द मिनिमम सरफेस एरिया जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप अटेन करता था याद है वॉटर ड्रॉपलेट है ना भाई आफ्टर मेल्टिंग ऑफ दिस आइस आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब क्या मिलेगा पानी पानी का एक प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन के नाम से जिसका काम क्या है कहते हैं कि भैया बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन हम अपने मिनिमम सर्फेस एरिया में रहेंगे मिनिमम सरफेस एरिया तभी होता है यू हैव द स्फेरिकल शेप जैसा कि वॉटर ड्रॉप के केस में होता याद आ रहा है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पता नहीं सर क्या ही होता है सर्फेस टेंशन हमने तो कभी सुना नहीं पूरी रामायण गा दिया सरफेस टेंशन पे तो मैंने क्या बात कर रहे हो तुम लोग सरफेस टेंशन पे तो पूरी कथा सुनाई थी तुम लोगों को अरे याद है पानी की बूंद ऐसे की होती है, बोला था ना ये मॉलिक्यूल इस पे ऐसा फोर्स इस पे ऐसा फोर्स इस पे ऐसा फोर्स ऐसा ऐसा इधर तरफ हाँ तो ऐसा होने के कारण दे विल अटेन स्फेरिकल शेप पता नहीं होता था कि नहीं होता था यार अरे होता था बताए थे तुम्हें सेंटर वाला मॉलिक्यूल होता है चारों डायरेक्शन से फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो सेंटर पे जो मॉलिक्यूल रखा होगा उसको तो फर्क पड़ता नहीं है लेकिन फर्क किसको पड़ता है जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे है क्योंकि सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उन पे बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा बल्कि अंदर के मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे जैसे कि उनको पास बुलाएंगे आ जाओ भाई पास आ जाओ पास आ जाओ तो ये इनको पास बुला के कोशिश करेंगे कि ये जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज कर सके कोशिश करते है कि सरफेस एरिया को मिनिमम या मिनी माइज कर सके सो इट विल रिटेन इट्स क्यूबिकल शेप नहीं सर इट विल चेंज इट्स शेप टू द स्पेरिकल हां सर इट विल फ्लाई अप नहीं सर बात समझ रहे हो तुम लोग सरफेस टेंशन की वजह से कोशिश करता है पानी कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर सके सो दैट स्ट्रेच की तरह बिहेव करता है और वो स्पेरिकल शेप भी जो आता है वॉटर ऑपरेट का वो सेम रीजन की वजह से आता है तो जब ये आइस क्यूब मेल्ट होगा तो कुछ समय के बाद आपको ये शेप में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा थोड़े टाइम के बाद ये आपको स्पेरिकल शेप में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा बेटा लेकिन कब वन इट इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस हाँ वन इट इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस अगर ग्रेविटी फ्री होगा तो ही बात बनेगी अगर मान लो ग्रेविटी हो तो पानी नीचे गिर जाएगा सर सारा सारा का अरे पानी टपक जाएगा ना नीचे फिर हाँ तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ही बात दिखने वाली है अदरवाइज ऐसा नहीं होगा फिर ठीक तो है है यह कहानी क्वेश्चन नंबर की छाप लो जल्दी से इसको कुछ भी नहीं था इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखेंगे फिर किया नोट हो गया बेटा बढ़े अगले सवाल पे 13, क्या कहता है साहब वेन द वॉटर ड्रॉपलेट मर्ज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप जब ये छोटे छोटे पानी की बूंदे होंगी ये मर्ज यानी कि एक साथ जुड़ जाएगी टू फॉर्म द बिगर ड्रॉप एनर्जी इज लिबरेटेड एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज नीदर लिबरेटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड एनर्जी में इधर बी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड तो क्या होगा भाई छोटी छोटी पानी की बूंदे थी जहां आपस में मिल गई और मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना ली उसने छोटी छोटी पानी की बूंदे बहुत सारी बहुत सारी पानी की बूंदे थी छोटी छोटी मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई तो क्या होगा यहां पर सोचो सर सोचो 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 छोटी छोटी पानी की बूंदे बहुत सारी है मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं तो उसके इसमें एनर्जी लिबरेट मतलब निकल जाएगी एब्जॉर्ब मतलब आएगी ना तो निकलेगी ना ही एनर्जी आएगी या फिर एनर्जी निकल भी सकती है आ भी सकती है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड क्या कहते तुम लोग क्या हो सकता है इसमें यार मुझे एक बात बताओ जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जब मिलके एक बड़ी ड्रॉप को बनाएंगे मान लो ये भी ड्रॉप 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 ऐसे बहुत सारी छोटी ड्रॉप है ना जब ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो ये कुछ इतनी सी दिखेगी जब ये बहुत सारी छोटी ड्रॉप मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा अभी क्या हो रहा है बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हमारे पास बहुत सारे एरिया है हमारे पास पर हां वॉटर ड्रॉपलेट छोटी है तो पर क्या होगा एरिया तो है ना अपने पास जब यहां पास हम मिल जाएंगे एक सिंगल ड्रॉप बनाएगी तो सिंगल ड्रॉप वॉटर ड्रॉप है बेटा ये भी हां सर बिल्कुल जब ये मिलके एक सिंगल वॉटर ड्रॉप बनाती है तो बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन ये क्या चाहते हैं भाई सरफेस टेंशन के कारण ये चाहते हैं कि भैया हमारा सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाए मिनिमम हो जाए और सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो मेरे बच्चे क्या सरफेस एनर्जी भी कम होगी सोचो ना इतनी सारी वाटर ड्रॉप्स जब आपस में मिल जाएंगी और एक सिंगल ड्रॉप बनाएगी तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन यह क्या होगा अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा करेगा ना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश में ये अपने सरफेस एरिया को सरफेस uh, एनर्जी को क्या करता है? है पता नहीं करता है सरफेस एनर्जी का फॉर्मला याद है तुम्हें सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भाई सरफेस एनर्जी का फॉर्मला याद है ना सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया तो एरिया में जो चेंज आया उसमें क्या हुआ सब एरिया डिक्रीज हो रहा है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी बेटा सरफेस एरिया मिनिमम होने से सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी और सरफेस एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ये एनर्जी डिक्रीज हो गई तो बाकी की एनर्जी कहां गई यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स थे तो यहां पे ओवरऑल जो एरिया देखा गया इसके रेस्पेक्ट में कम हो ज्यादा होगा यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं भाई हरे का एरिया निकालो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स करो हमें क्या पता कितने सारे ड्रॉपलेट्स हैं किसी एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट का एरिया निकाल लीजिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से और यहां का एरिया निकालिए सडनली फाइंड कि भैया इसका एरिया कम है इसका एरिया कम होगा इससे अगर इसका एरिया कम है इससे सरफेस एरिया की बात करो मैं सो इन दैट केस यहां पे बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन इसने अपने एरिया को मिनिमाइज किया यही तो हो रहा है बेसिकली तभी तो उसका एरिया कम हुआ इसका एरिया कम क्यों हुआ क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण ये अपने आप शेप अपने शेप को कुछ स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इसका एरिया मिनिमम हो सके जब इसका एरिया मिनिमम होगा बेटा तो इसकी सरफेस एनर्जी भी कम होगी पहले सरफेस एनर्जी ज्यादा थी बाद में एनर्जी कम हो गई तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ वह एनर्जी कहां गई वो चली गई हीट के फॉर्म में चलेगी या किसी भी फॉर्म में चलेगी बट वो चली गई खत्म नहीं हुई चली जाती है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो बेसिकली इस दौरान जो हीट थी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो चली गई सर और जो हीट एनर्जी जो एनर्जी चली जाती है उसको कहते हैं लिबरेटेड होना तो ये जो एनर्जी थी इट गॉट लिबरेटेड क्योंकि यहां पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से हर एक एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स किया तो यहां पे मुझे सर्टेनली ज्यादा एरिया मिला यहां पे मुझे कम एरिया मिला कम एरिया मिलकर मैंने देखा सरफेस एनर्जी कम है यहां पे सरफेस एनर्जी ज्यादा थी यहां पे कम है तो मतलब एनर्जी का लॉस हुआ एनर्जी कहां चली गई सर वो किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई खत्म नहीं हुई कन्वर्ट हो गई किसी और फॉर्मेट में तो यानी कि वो लिबरेट हुई वो एनर्जी लिबरेट हुई एब्जॉर्ब नहीं होगी सर लिबरेट होगी वो एनर्जी ठीक है और ये सारी चीजें नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड नहीं करती सर कभी भाई ऐसी चीजें नेचर ऑफ लिक्विड पे पे डिपेंड तो तो नहीं कर रही ना कभी कहीं भी आप सरफेस तो टेंशन निकालते हो एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द सरफेस एनर्जी तो ये सारी बातें कहीं पे नेचर ऑफ लिक्विड पे आई क्या नहीं आई सर तो इससे फर्क नहीं पड़ा कि लिक्विड क्या है बट इससे फर्क पड़ा कि सर एरिया मिनिमाइज हुआ सरफेस एरिया डिक्रीज सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई तो मतलब कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा थी वो कहां चलेगी लिबरेट हो गई सर लिबरेट मतलब एनर्जी कि तो क्या क्या मतलब निकालेगा या एब्जॉर्ब करेगा है ना तो हमने बोला भाई एनर्जी निकाल देगा एक्स्ट्रा एनर्जी को समझते हैं बात को समझते हैं क्या हुआ उसने एनर्जी को निकाल दिया एब्जॉर्ब भी नहीं किया उसने निकाल दिया कि उसके पास जो उसके पास जो एनर्जी थी वो कम हो गई थी क्योंकि एरिया उसका कम हो गया था पहले उसके पास ज्यादा एनर्जी थी अभी एनर्जी कम हुई तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी बची वो उसने निकाल दी ठीक है ये है क्वेश्चन नंबर दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर थर्टीन नोट कर लीजिए बेटा किया नोट सभी ने पक्का चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहता है हमसे आओ जरा देखें डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू कैन करस्पॉन्ड टू भाई इनमें से किसका डायमेंशन होगा ये ये भगवान क्या पूछ लिया डायमेंशन तो किसका ये मोमेंट ऑफ फोर्स सर्फेस टेंशन मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी कॉफिशन ऑफ एस्कॉसिटी है देखो भाई किसका आता है सबके डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए ठीक है मोमेंट ऑफ फोर्स सर्फेस टेंशन मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी कोफिश ऑफ विस्कोसिटी सबके डायमेंशन निकालना हमें आने चाहिए चलिए भाई तो विचार किया होगा तुम लोगों ने दिमाग लगाया होगा तुम लोगों ने और अगर दिमाग लगा लिया तो मेरी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहले हम उठाते हैं किसको मोमेंट ऑफ अ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स भाई आप क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स जब हम रोटेशन पढ़ते थे तो मैंने बोला था जिस भी टर्म के आगे मोमेंट ऑफ लगाया जाता है मतलब आप उस टर्म को आर क्रॉस कर लीजिए जैसे मोमेंट ऑफ बोला मतलब मोमेंट ऑफ का मतलब आर क्रॉस किसका फोर्स का फोर्स का ये जो बना इट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स और बेटा जी ये तो शायद टॉर्क होता है ओहो यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स अगर वो कह रहा है तो बेसिकली हमसे टॉर्क कहना चाहता था अगर वो हमसे मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहे हैं यानी कि अब वो हमसे टॉर्क की बातें करना चाहते हैं तो टॉर्क की बात हम कर लेते हैं साहब इज द डिस्टेंस एल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मुला होता है एम एल टी माइनस टू तो यहां पे एम एल सी माइनस टू यह बनेगा एम एल टू टी माइनस टू सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिख दू एम एल टू टी माइनस का टू मतलब कि ये तो नहीं होने वाला सेकेंड आता है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फॉर्मला जानते हो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बोले तो एल भाई एल से एल मर जाएगा एंड यूर लेफ्ट विद एम टी माइनस का टू दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मुला फॉर द सरफेस टेंशन लिख दो एम टी माइनस और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे याद रहे तुम लोगों को फिर ठीक है अगला आता है बेटा मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी के लिए अब मैं लिख देता हूं रुको एक मिनट मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी सो मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी की अगर मैं बात कर लू तो बेटा जी इट इज गिवन बाय क्या होता है वे अरे यंग्स मॉड्यूलर्स कितना होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन विल बी डेल्टा एल बाय एल तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मुला एम एल टी माइनस टू डिड बाय एरिया का एल स्क्वायर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मला सब वो तो एल ही होता है अपॉन लेंथ का एल ही होगा एल से एल मर जाएगा एंड द डायमेंशनल फॉर्मुला फॉर द मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज एम एल माइनस वन टी माइनस का टू क्या बात है तो ये हो गया एम एल माइनस का वन टी माइनस का टू क्या यही आंसर अपना बिल्कुल सर यही आंसर है एक बार कोफिशंट ऑफ विस्कोसिटी लगे हाथ दो यार ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मुला तो ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मुला कैसे फाइंड आउट किया जाए इसके लिए हम चलते हैं यहां पे और एक फॉमुला लगाते हैं आपको याद हो तो विस्कस फोर्स ऑन द सर्फेस इज गिवन बाय बाईटा डीवी बाई डी जेट डीवी बाई डी जेट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट

एल टी माइनस का वन डिवाइडेड बाय क्या है स्मॉल चेंज इन पोजीशन पोजीशन और के लिए इट विलू ऊपर जाएगा वन माइनस टू माइनस का वन माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस टू प्लस का वन तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको भी लिख लीजिए तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन एम एल माइनस वन टी माइनस वन यह कहानी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की छाप लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं है नोट सभी ने यहां तक के साथ अरे इसको भी लिख लो यार ये भी काम ही होगा कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा इसके बारे में भी ठीक है हो गया वेरी गुड चलिए भाई आओ बढ़ते हैं अगले सवाल पे 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है

सोप बबल के साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर हो तो कुछ तो होगा एक्सपेंशन हाँ तो एक्सपेंशन की कहानी बताई है मैंने शायद कितना डन करना पड़ता है सोचो ना जरा दिमाग तो लगा के देखो क्या बात बनेगी इसमें हो गया साहब क्या होता है ना देखो डन जो आप कहते होते ना डन इन एक्सपेंशन इट इज गिवन बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया क्या यही होता था वर्क डन इन एक्सपेंशन इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इफ वी टॉक अबाउट द सरफेस सरफेस टेंशन टेंशन तो साहब इन्होंने को लिखा हुआ है एस तो मैंने अभी एस से डिनोट कर दिया इन डेल्टा एरिया कर दिया इसको में. लेकिन सर एक बात सुनो ना ये तो सोप सोल्यूशन है एंड इफ इट इज तो यार सोप बबल के अंदर क्या होता है सोप बबल में क्या होता है दो दो सरफेसेस होती है अरे पानी सोप का बुलबुला देखा है तुम लोगों ने है मेले में भी मिलता है ना वो बबल्स वाला हाँ वो ऐसा, ऐसा, पानी में सोप सॉल्यूशन में डिप करके हूँ। उसमें दो सॉल्यूशन दो दो एक एक ये वाली एक ये वाली तो जगह से क्योंकि देखो यहाँ अंदर भी क्या है हवा यहाँ भी क्या है हवा लिक्विड का ड्रॉप होता तो अंदर पानी होता बाहर हवा होती लेकिन इसमें क्या है इट इज अ सोप बबल तो सोप बबल में क्या होता है बेटा अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है दैट्स दो सर्फेसिस पे हम

एरिया में कितना परिवर्तन आया सर ये क्या है स्पेयर है वट अबाउट द सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इट इज गिवन बाय फोर पाई इंटू आर का स्क्वायर द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्र इज गिवन बाय फोर पाई आर स्क्वायर बेटा जी इनिशियल एरिया ये तो फाइनल एरिया क्या होगा आप बता देते हैं ये हो गया इनिशियल एरिया फोर पाई आर का स्क्वायर फाइनल एरिया की जब मैं बात करूं तो इट इज गिवन बाय फोर पाई इन टू टू आर का होल स्क् टू का स्क्वायर कर दो चार चार इंटू चार सोलह तो सोलह पाई आर का स्क्वायर तो इनिशियल एरिया फोर पाई आर स्क्वायर फाइनल एरिया पाई स्क्वायर तो चलिए जी शुरू करते हैं कहानी को टू टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डेल्टा ए बोले तो ए फाइनल माइनस का ए इनिशियल ए फाइनल पाई आर स्क्वायर सो टू टाइम्स ऑफ़ द सरफेस टेंशन पाई आर स्क्वायर माइनस का फोर पाई आर स्क्वायर सही बात है ना सिक्सटीन पाई आर स्क्वायर माइनस का फोर पाई आर स्क्वायर बोले तो बारह आर स्क्वायर सो टू टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन इंटू ट्वेल्व पाई आर का स्क्वायर ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर होता है दिख रहा है क्या? 24 pi r square into S, ये दिख है सर, तो यही ताला लगा देना इस पर यही तो दिख रहा है ट्वेंटी फोर पाई आर स्क्वास अरे ठीक है ना यार समझ गए कुछ भी नहीं था इसमें हलवा सा सवाल था जल्दी से छाप लो इसको फिर आगे बढ़ते अगले सवाल पे इसमें तो कुछ भी नहीं था पंद्रह वाले में तो सच में कुछ नहीं था है ना नोट करो नोट करो जल्दी से फिर आगे बढ़े हो गया बढ़े आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है हमसे आओ जरा देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर 16 से If more air is pushed in a soap bubble, एक सोप बबल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा को भर दिया जाए तो प्रेशर इन इट तो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है उसका क्या हाल होगा क्या वो प्रेशर डिक्रीज होगा क्या वो प्रेशर इंक्रीज होगा क्या वो प्रेशर सेम रहेगा या वो प्रेशर जीरो हो जाएगा? हम्म हम्म सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा अगर मोर एयर इज पुश्ड इन सोप बबल अगर ज्यादा एयर भर दी जाए तो सर सोप बबल का साइज इंक्रीज हो जाएगा है ना अगर हम ज्यादा एयर को पुश कर दें सोप बबल के अंदर तो सोप बबल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड सोप बबल का साइज इंक्रीज होगा तो प्रेशर का क्या हाल होगा ये सोचना है सोच रहे हो तुम लोग मैं भी सोच हूं तुम भी सोचो सोच लिया देखो भाई क्या करें अरे तुमने दिमाग लगाया मैंने तो लगा लिया साहब याद करो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय सरफेस टेंशन अपॉन आर वेर आर इज द रेडियस ऑफ द बबल लेकिन सर फिर से रुको इट इज अबल वैसे तो टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन होता है अगर आप बात करो तो इसकी इट इज टू टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर बट सिंस इट इज अब बबल तो साहब फॉर सोप बबल इट इज गिवन बाय सोप बबल में क्या होता है मेरे बच्चे जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि दो सरफेसिस होती है अंदर भी एयर बाहर भी एयर केस द एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी गिवन बाय देखो एक्सेस प्रेशर को डेल्टा पी से लिख देना काम आसान हो जाएगा बेटा क्यों किया क्योंकि सर दो दो सरफेस होंगे ऐसे ही होता है अंदर एयर बाहर भी एयर पहली सरफेस यहां पे दूसरी सरफेस यहां पे दो सरफेस दिख रही है अंदर वाली सरफेस बाहर वाली सरफेसू सम एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाई आर वेर आर इज द रेडियस 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 ऑफ द बबल आर इज द रेडियस ऑफ द बबल अब बेटा आप जैसे मोर एयर को कुश करोगे वॉट विल है ज्यादा एयर को भरेंगे इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा क्योंकि इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा सर आर डैश सच दैट आर डैश इज ग्रेटर देन आर तो एक्सेस प्रेशर क्या बन जाएगा इस केस में इस केस में बनेगा डेल्टा पी डैश इज इक्व टू फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर डैश जैसे ही इसका साइज बढ़ गया तो जो एक्सेस प्रेशर था इट बिकम्स डेल्टा पी डैश विच इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर डैश साहब आर डैश इज ग्रेटर देन आर सिंस आर डैश ग्रेटर देन आर देर फोर भैया आर डैश की जगह फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डैश इनवर्स रिलेशन है रेडियस इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा एक्सेस प्रेशर रेडियस डिक्रीज होगा तो एक्सेस प्रेशर इंक्रीज होगा आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल प्रेशर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सेस प्रेशर ये रिलेशन एक्सेस प्रेशर का है बट वो तो पूछ रहा है इनसे इनसाइड प्रेशर द प्रेशर इन इट इसका तात्पर्य ये होता है कि वह आपसे इनसाइड प्रेशर की बात कर रहे हैं उसका क्या होगा आपने जो रिलेशन निकाला है दिस इज फॉर द एक्सेस प्रेशर बाहर से मान लीजिए एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है मान लो बाहर से जो लग रहा है इट इज कॉल्ड एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो इस बबल पे अगर बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इफ पी आउटसाइड ज योर एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट तो क्या होगा अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर एटमोस्फेरिक है तो इन दैट केस यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ पी डैश शुड बी लेस देन डेल्टा पी पी डैश इन साइड माइनस का आउटसाइड प्रेशर शुड बी लेस देन पी इन साइड माइनस का पी आउटसाइड

as the radius increases excess pressure decreases and the inside pressure also decreases to yahan se kya tatparya nikla ki sahab jaise jaise size of the bubble increase hoga to तो radius increase hoga Radius increase होने से excess pressure decrease होगा Excess pressure decrease होने से inside pressure भी क्या हो जाएगा Decrease हो जाएगा इसका उल्टा करो Size अगर decrease हो जाए ये काम की बात है तुम्हारे लिए तो आर भी डिक्रीज हो जाएगा उसके इसमें इनसाइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और हमने बोला एक्सेस प्रेशर भी क्या हो जाएगा ये काम का है आप लोगों के लिए अभी अगला सवाल इसी पे होगा तो देख लेना तुम लोग ठीक है तो इसको छाप लो राइट right फ्रॉम यहां पे इसका ऑप्शन ए ताला लगा देने तो correct, इस पे जो कि कह रहा है इनसाइड प्रेशर डिक्रीजेस तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट इस पे जल्दी से ताला लगा लो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर छापो जल्दी से यार ये सारी बातें नोट फिर यहां पे आओ ये सारी बातें लिख लेना और ये 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 इंपॉर्टेंट है ना सितारे चमका लेना बढ़िया डन ओके चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कहता है इफ टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब तो क्या है बेटा दो सोप बबल्स हैं अलग अलग रेडियस इनके एंड दे आर कनेक्टेड बाय द सोप ट्यूब

एक यहां पे बेचारा छोटा सा एयर बबल इफ बोथ द एयर बबलटेडेड से pipe, pipe, इसका रेडियस बोला लेट से आर टू सच दैट आर वन बड़ा होगा आर टू से Such that R1 बड़ा हो जाएगा आर टू से ठीक है तो क्या होगा सोप है डिफरेंट रेडियस के हैं बेटा बिल्कुल सारी है डिफरेंट रेडियस बोलने का तात्पर्य यही था कि एक का जो रेडियस है वो ज्यादा होगा दूसरे का रेडियस कम होगा अब क्या होगा connected by the tube. अब ट्यूब से connected. क्या होगा मेरे बच्चे एयर का फ्लो होगा लेकिन कहां से कहां बड़े से छोटे में छोटे से बड़े में हम्म, ये तो सोचने वाली बात है सर ये तो सोचने वाली बात है कैसे सोचे भाई जैसे कि तुम्हें पता है कि हीट का जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है और पानी का भी फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ वो हाइट के डिफरेंस की, की वजह से होता है वैसे मेरे बच्चे गैसेस का जो फ्लो हो रहा है यहां पे, जो गैस का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा एयर का जो फ्लो होगा वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है इसका इनसाइड प्रेशर जो है वो मैंने ले लिया पी इसका इनसाइड प्रेशर मैंने ले लिया पी टू इसके आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके भी आउटसाइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका इनसाइड प्रेशर पी वन इनसाइड प्रेशर P2 मुझे बताओ पहली बात तो इनसाइड प्रेशर किसका ज्यादा सर जिसका रेडियस ज्यादा उसका इनसाइड प्रेशर कम होता है सिंस आर वन इज ग्रेटर देन आर टू देर फोर पी वन इज लेस देन पी टू यानी कि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा इसके अंदर प्रेशर कम तो गैस जो एयर होगी उसका क्या टेंडेंसी है कि भैया हम तो हमेशा कोशिश करेंगे यहां से यहां जाने की ये वो वाली कहानी है तुम लोगों को छोड़ दिया जाए दस लोगों को बहुत छोटे से कमरे में छोड़ दिया जाए और बीच में एक रास्ता बना दिया जाए है ना बिल्कुल वही कहानी है दस लोगों को एक छोटे से कमरे में रख दिया जाए पहले तो एकदम कंजस्टेड बिल्कुल चिपका चिपका के खड़ा कर दिया सबको हमने हमने बोला भैया यहीं खड़े हो जाओ चुपचाप बिल्कुल भी हिलने की जगह नहीं है ना कुछ लोगों को हमने छोटे से कमरे में एकदम टाइट करके बंद कर दिया और यहां पे दे दिया एक दरवाजा यहां पे दे दिया दरवाजा और यह दरवाजा सीधा जाके खुलता है कहां से कमरे में क्या होगा बेटा यह दरवाजा सीधा जाके कहा खुलेगा एक बड़े से कमरे में तो क्या तुम लोग भी यही करोगे कि सर इस छोटे से कमरे से भाग के हम कहा है? बड़े कमरे में आ जाए ताकि हम यहां पर आराम से खुला खुला होकर खड़े हो सके तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ भी बेचारों के साथ यही हो रहा था कितने तो तीन तीन एक साथ है ना तो तीन दो पांच छ एक साथ क्या होगा तुम लोग भी यही करोगे कि सर ये इतनी कंजेस्टेड जगह पे हम रह रहे हैं वहां से तो बढ़िया है यहां पे आ जाए ताकि खुला खुला एकदम बढ़िया अच्छा सा लगे पहले यहां क्या था बड़ी जगह थी इसलिए इसका इनसाइड प्रेशर कम था यहां पे तुम लोग बहुत कंजेस्टेड हो गए थे इसलिए यहां का प्रेशर ज्यादा हो गया था तो जब जहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है वहां से हर कोई भाग के कम प्रेशर में आ जाता है तो गैस के साथ भी है एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी ना, एयर के मॉलिक्यूल बेचारे बहुत टाइट हो चुके थे, थे। उन्होंने तो जैसे ही पाइप लगाई उनको मौका मिल गया बड़ी जगह आने का तो वो वहां से भागते हुए कहा होगा बेटा सर स्मॉलर बबल से बिगर बबल की ओर ठीक है सो दिस इज पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन सेवनटीन उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि क्यों ये छोटे से बड़े की तब गए प्रेशर का वेरिएशन तो सर प्रेशर के वेरिएशन से कैसे तो तुम खुद को उस के देख लो वहां पे ऐसे जगह से तुम भी खुली जगह पे जाना ज्यादा प्रेफर करोगे है है ना तो एयर मॉलिक्यूल उनके साथ भेदभाव क्यों है ना चलिए भाई छाप लिया सभी ने छाप लिया अरे ये वजह ये है अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको ये वाला रीजन समझा देना ये तो मैं बस तुम्हें थोड़ा फील देने की कोशिश कर रहा था बाकी कोई तुमसे पूछ ले क्यों हो रहा है बोला भैया उसका रेडियस कम है और तुम भी जानते हो कि प्रेशर का जो वेरिएशन होता है इट पिछले क्वेश्चन में तुम्हें ठीक है चलिए बेटा जी तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कहते हैं हमसे फिगर शोज अ कैपिलरी हैविंग द रेडियस ऑफ आर विच इज डिप्ड इन टू अ वाटर यहां पर एक कैपिलरी ट्यूब है ये यह यहां पे वाटर था वाटर में इसको डिप करके रखा हुआ है दिस इज द वाटर अब इस कैपिलरी ट्यूब को जब मैंने पानी में डिप करा तो डेफिनेटली सी बात है कि यहां पे इनका कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा जिसके कारण वाटर लेवल राइजेस कॉन्टेक्ट एंगल जो होगा इट इज लेस देन 90 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द वॉटर लेवल राइजेस जब वॉटर लेवल राइज करा तो इस टाइप का मेनिस्कस इस बना इसका यही होता है बेटा इस टाइप का इसका क्या इस बन रहा है मेनिस्कस बन रहा है और अगर इस टाइप का शेप फॉर्मेशन ये कर रहा है तो वो पूछ रहा है कि ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा है ना इफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट यहां पे एयर है एयर मतलब यहां पे एटमोस्फेयर है सो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट सो वट इज द प्रेशर एट द पॉइंट ए यार याद करो जब मैं आपको एच इक्वल टू टू टी कॉस्ट थीटर डिवाइडेड बाई रो आर जी हाँ लास्ट में आकर एक हाइट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको उस टाइम पे डेरिवेशन के दौरान ये बात मैंने की थी अगर आपको याद हो तो तो अगर मेरी वो बात आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा कोई ज्यादा रॉकेट साइंस उसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे किया था हमने इसको कुछ दिमाग लगाया था सर ऐसा ऐसा तो नहीं बोला था कहीं कि यहां पे एक स्फेयर मान लो यहां से प्रेशर पी नॉट यहां से प्रेशर पी ए हाँ हाँ ऐसे ही कुछ किया था सर यहां पर एक स्फेयर बनाया था इस फेयर को मैं बाहर बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे एक बनाया था। अंदर की तरफ से से जो प्रेशर 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 लग लग रहा रहा था, था, वो तो सर बेसिकली देखा है, जो जो से रेडियस होगा इट इज स्म विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब तो इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर साहब ये सारी बातें हम कर चुके हैं कर चुके हो ना ये सारी बातें So, बेटा जी अभी अगर सिर्फ बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें है ना सिर्फ इस बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंदर कौन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से कौन लग रहा है पी ए सो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इज गिवन बाय कितना बेटा फोर टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस आर है ना अच्छा सर फोर टाइम्स क्यों किया आपने अरे बेटा फोर फोर क्यों किया आपने? फोर नहीं करेंगे तो. कर तो, तो है? है, दूसरी तरफ क्या है पानी है तो बेटा सिर्फ एक ही टाइप एक ही सरफेस को डील किया जाएगा इसमें अगर दोनों तरफ एयर होता तो फिर मैं यहां पे फोर लिखता बट अभी क्या है एक तरफ एयर दूसरी तरफ वाटर तो इसलिए यहां पे टू टाइम्स ऑफ सरफेस लिख रहे हैं अरे ये सारा क्या है पानी ही तो ही है इसके अंदर भी क्या है सारा तो दोनों तरफ बेटा सरफेस चेंज होने के कारण मैं यहां पे टू से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसको सिर्फ टू टाइम्स ही रहने दूंगा सो इट विल बी टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइड बाय आर एक्सेस प्रेशर में लिखता है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल्स टू तो टू तो टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन बाय आर अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है पी नॉट बाहर से कौन सा लग रहा है पी ए सो पी नॉट उट दिस क्वेश्चन मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग अभी उसकी तरफ से मत देखो अभी तुम सोच रहे हो सर बाहर से तो यह लग रहा है पी नॉट अंदर से लग रहा है मैं बोल रहा हूं बबल के नजरिए से देखो किसके बबल जो आपने यहां पे बनाया था उसके नजरिए से देखो उसके हिसाब से तो अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है पी नॉट बाहर से कौन लग थर्ड ऑप्शन तो तो में देखो जरा क्या यही आपका सही जवाब है समझ रहे हो मेरी बात को क्या चल रही कहानी फोर टाइम्स क्यों नहीं किया टाइम्स हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि साहब एक तरफ तो एयर और एक तरफ वॉटर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम होने के कारण अब ये कुछ ऐसा दिखेगा या तो वाटर है बेटा वाटर होने के कारण अगर दोनों तरफ एयर होता तो भी बात समझ आती लेकिन एक तरफ पानी है और एक तरफ एयर है तो एक तरफ पानी है एक तरफ एयर है इसलिए वहां पे टू टाइम्स ही चलने देना इसको ठीक है चलिए भाई समझते हो बात को दो सर्फेस नहीं एक साइड का ही सर्फेस है जो सर्फेस टेंशन को एक्सपीरियंस कर रहा है एंड वहां आपके लिए इसलिए हमने टू टेस्ट किया इसको ठीक है छाप लो छाप लो जल्दी से इसको छाप लो जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है हमसे नोट किया पक्का चलो भाई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कहता है हमसे द एक्सेस प्रेशर इन साइड बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इन साइड अ सेकेंड सोप बबल एक सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर है वो दूसरे सोप बबल के डबल है वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल इज एन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द second, where एन इज इक्वल टू एन का क्या वैल्यू होगा यानी कि मान लीजिए दो बबल है यह हमारा बबल नंबर वन और यहां पे एक और बबल बना लेता हूं बबल नंबर टू इसमें जो एक्सेस प्रेशर आएगा इट इज गिवन बाय डेल्टा पी वन इसमें जो एक्सेस प्रेशर आएगा इसके गिवेन डेल्टा पी टू इसका जो वॉल्यूम होगा वो वी वन इसका जो वॉल्यूम होगा वो वी टू इसका रेडियस आर वन इसका रेडियस आर टू सरफेस टेंशन की बातें छोड़ दीजिए सोप बबल है चिंता की बात नहीं है बात वही चलने वाली है लेकिन इसका रेडियस आर टू इसमें प्रेशर जो आएगा एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी वन इसमें एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी टू इसका वॉल्यूम वी वन इसका वॉल्यूम वी टू गिवन क्या है आप लोगों को आप लोगों को जो गिवन है वो ये है कि साहब जो एक्सेस प्रेशर है इज ट्वाइस द सेकेंड है ना सो डेल्टा पी वन इज टू टाइम्स ऑफ डेल्टा पी टू सेकेंड चीज आपको दे रखी है कि वी वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वी टू अब आपको एन का वैल्यू निकालना क्या होगा हाँ अच्छा सवाल है दिमाग लगाओ थोड़ा सा मजा आएगा इसमें अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें हैं मजा आ है जाएगा इसमें सॉल्व कर दिया तुम तुम लोगों ने तो वैसे तो समझदार हो इतने जानते हो कि क्या करना है बट फिर भी थोड़ा हिंट दूं क्या इससे ज्यादा हिंट भी क्या लोगे है तुम लोग भी अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ जस्ट ऐसे ही पूछ लिया ऐसे मन में विचार क्या सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर तुम्हें आता है कितना हाँ टू से मल्टीप्लाई सोप बबल सोप बबल के अंदर भी एयर सोप बबल के बाहर भी एयर अंदर भी एयर बाहर भी एयर दो जगह से सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करेगा डेल्टा पी इज गिवन बाय फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर तो नाउ लेट सोल्व दिस पार्ट इधर जब हमने सोल्व करा तो फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाई आर वन इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन डिवाइडेड बाई आर चलेगी कहानी ऐसी चल जाएगी ऐसी कहानी पर वो सर टू टाइम था वो तो टू टाइम्स था तो मल्टीप्लाई बाई टू भी कर दे फोर टाइम्स ऑफ द सर्फेस टेंशन से, टाइम्स ऑफ़ द टेंशन मर जाएगा एंड वी विद अपॉन अपॉन आर क्या यही कहानी रहेगी तो वो टू टाइम्स ऑफ आर वन हो जाएगा चलिए भाई ठीक है आर टू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ आर वन लेकिन सर वॉल्यूम का क्या करें भाई स्फेर है, स्फेर का वॉल्यूम निकालना आता है वॉल्यूम ऑफ द स्वेयर इज गिवन बाई फोर बाई थ्री पाई इन टू रेडियस का क्यूब वॉल्यूम इज गिवन बाई फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब रेडियस में स्पेयर रिलेशन आ चुका है एन का वॉल्यूमेंगे लेट सॉल्व दिसर सिंस वी वन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वी टू तो फोर बाय थ्री पाई आर वन का क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ फोर बाय थ्री पाई आर टू का क्यूब फोर बाय थ्री पाई मर जाएगा का क्यूब वो टू टाइम्स ऑफ आर वन था आर टू जो था वो टू टाइम्स था तो ये कर आर वन का क्यूब इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एट आर वन का क्यूब भाई आर वन से आर वन मर जाएगा वन इजिक्वल टू एट एन तो एन का वैल्यू बनता है अच्छा एक बार बताओ वन बाई एट कितना होता है सर सॉल्व कर लेते हैं एक बार सॉल्व करने पे आई लेतेम्स जीरो पॉइंट वन ट्वेंटी फाइव और यही है हमारे इस एन की वैल्यू बात समझ आ रही है तुम लोगों को तो ऑप्शन देखो कहीं दिख रहा है ये रहा डी ऑप्शन ताला लगा दो और यहां पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हमारा होता है समाप्त समझ आ रही है बातें क्या क्या किया है कुछ भी नहीं है पहले तो रेडियस में रिलेशन निकाला प्रेशर डिफरेंस से फिर वॉल्यूम में जाकर पुट कर दिया इसके अलावा और कुछ भी नहीं है छाप लो इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं छाप लो किया नोट यहां तक सारी बातें हो गई यहां पे आओ ये सारी बातें लिख लेना एंड एन, एन का वैल्यू वन बाय या फिर वन टू फाइव या तो वन बाय एट या फिर जीरो पॉइंट वन टू फाइव ठीक है हो गया पक्का चलो भाई भाई बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अरे पिछला नहीं अगला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द कैपिलरी राइज एच एंड रेडियस और कैपिलेरी ट्यूब के रेडियस में क्या रिलेशन है पहले तो वो निकालो उस रिलेशन के बेसिस पे इनमें से कौन सा ग्राफ बन सकता है ए वाला बी वाला सी वाला या फिर डी वाला आपको बताना है. बता पाओगे ट्राई करो एक बार वो रिलेशन अगर तुम्हें याद होगा तो तुम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो तो रिलेशन पता होना चाहिए बस रिलेशन पता होगा तो सब काम हो जाएंगे हम्म याद करो जूरिन अंकल ने कोई बात बोली थी वैसा तो सर आपने बताया था कि एच जो था वो 2t टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी जहां पर एच इज द हाइट ऑफ द लेवल लेवल कितने कितने हाइट तक जा रहा है इट रिप्रेजेंट बाय एच टी बोले तो सरफेस टेंशन थीटा बोले तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना यही तो था एच इज द लेवल ऑफ लिक्विड टी सरफेस टेंशन थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अब आने वाली पिक्चर है ना रो डेंसिटी ऑफ लूड इसके अलावा रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब ये, ये ही चाहिए हमें यही तो चाहिए था हमें सर और जी का वैल्यू तो खैर सभी जानते हैं ना यही तो चाहिए सर हाइट और आर में रिलेशन सो तो यहां से एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर बेटा जी कुछ हाइपरबोला टाइप ऐसी कहानी बन सकती है क्या देख लेना तुम लोग एक बार यार है, है ना जहां तक मुझे लग रहा है एच वर्सेज आर के लिए कुछ इस प्रकार का कव बनेगा नहीं बनेगा अरे इनवर्स रिलेशन में ऐसा ही तो होता है देखो ना जैसे जैसे आर इंक्रीज हो, हो रहा है एच डिक्रीज हो रहा है एज आर इंक्रीजेज जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है एच डिक्रीज हो रहा है एच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना जैसे जैसे आर बढ़ रहा है एच डिक्रीज हो रहा है एज एच इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज

हो गया नोट चलिए भाई बेहतरीन बहुत बढ़िया शाबाश ठीक है समझते हो मेरी बातें तो अभी ऐसा नहीं कि पिक्चर खत्म हो गई पिक्चर अभी बाकी है लेकिन यस आज के सेशन के लिए बस इतनी ही बातें रखेंगे ठीक है अगले सेशन में बचे हुए दस क्वेश्चन और है ऑलमोस्ट उनको भी कंप्लीट करके इसका भी समापन कर दिया जाएगा ठीक है तो भाई बोलो जरा क्या सरफेस टेंशन की कहानी समझ आ रही है सरफेस टेंशन कैसे है कैसे एक्सेस्प्रेशन निकाला जाता है के क्या कहानी है एंगल क्या होता है ये सब समझते हो बढ़िया तरीके से समझते हो कोई समस्या तो नहीं है ना इनमें चलिए बेहतरीन बाकी भाई जो क्वेश्चन में आपको लगा डाउट है जिस क्वेश्चन में लगा कि यार मुझे नहीं बन पाया था उनके सॉल्यूशन नोट कर लेना और खुद से जरूर ट्राई करना ठीक है तो यह हमेशा कंपलसरी होता है कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसके सॉल्यूशंस को लिखें और उसको खुद से जरूर ट्राई करें ठीक है चलिए भाई तो ये सारी चीजें करते हुए चलना और मक्ारी मत करना कभी भी क्वेश्चन को लेके क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि आपसे क्वेश्चन बने ठीक है चलो भाई आगे बढ़ेंगे और अगले सेशन में इसका पार्ट थ्री लेके आऊंगा जहां पे इसके बच्चे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वन को कंप्लीट कर देंगे हाँ क्योंकि देखो इस चैप्टर में तीन अलग अलग टॉपिक्स मिले थे जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना जिसमें कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था फिर हमने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा फिर हम विस्कॉसिटी के बारे में भी समझते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन की काउंट थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो चिंता मत करो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई से भी क्वेश्चन आ जाए कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम सब सॉल्व कर सकते हैं ना ठीक है जी तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट